नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं स्किन, हेल्दी स्किन। ठीक है, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ऐसे ही ग्लो करती रहे या इससे भी ज्यादा ग्लो करे, और लोग चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए, यानी आज से 10 साल बाद भी उनकी स्किन ऐसे ही ग्लो करती रहे, ऐसे ही वो खूबसूरत दिखते रहे। लेकिन इसके लिए आप खुद सोचिए कि आपको ऐसा क्या करना होगा। लोग क्या करते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं या पार्लर्स में जाते हैं और फेशियल कराते हैं रेगुलर। देखिए, ये सब गलत नहीं है, इसको भी करना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, कुछ टाइम तक ही आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा। क्योंकि आपकी स्किन को हेल्दी बने रहने के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिशन, यानी कि आपकी जो स्किन सेल्स हैं उनको रेगुलर, उनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन अगर मिलता रहेगा तो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आपकी स्किन को हेल्दी बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है विटामिन ई की। हम देखते हैं कि क्रीम्स के ऊपर लिखा होता है एनरिच्ड विद विटामिन ई। विटामिन ई ठीक है, आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बेनिफिट दे रहा है, अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी आप अपनी डाइट में विटामिन ई ले रहे हैं, तो सोचिए कि वो कितना लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा। यानी कि जो ये जो क्रीम्स वगैरह या जो भी ऑइंटमेंट, जो भी चीजें हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको अपने डाइट में कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड ऑन करना होगा। इसी वजह से हमारी कंपनी बायोसेश ने कुछ अच्छे प्रोडक्ट हमें दिए हैं जो हमारी स्किन को ऐसे ही ग्लोइंग स्किन आपको बनाए रखेगा। जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं, सीबकथॉम बायो रेडियंस जूस। सीबकथॉम बायो रेडियंस जूस क्या है, इसमें सीबकथॉम के साथ साथ टर्मरिक एक्सट्रैक्ट और मेथी का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, और साथ में सीबकथॉम सीड ऑयल और डेरी ऑयल को इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर मैं बात करता हूं, देखिए सीबकथॉम आप सभी जानते हैं कि ये न्यूट्रिशंस की भरमार है इसके अंदर। इसके अंदर विटामिन सी आपको मिल जाता है, इसके अंदर से आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल जाता है, इसके अलावा इसके अंदर आपको ओमेगा फैटी एसिड्स आपको मिल रहे हैं, और साथ में जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट यूज किया, टर्मरिक आप सभी जानते हैं कि टर्मरिक हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं कि शादियां होती है तो शादियों में हल्दी का लेप लगाते हैं, उससे क्या होता है कि आप देखते हैं स्किन ग्लो करने लगती है। तो मतलब हल्दी तो हजारों सालों से हमारी स्किन के लिए फायदेमंद मानी गई है। तो हमारी कंपनी बायोसेश ने सीबकथॉम के साथ टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट को यूज किया है, इसके अलावा मेथी एक्सट्रैक्ट। मेथी भी अपने आप में स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप अगर सीबकथॉम बायो रेडियंस जूस को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रोडक्ट है सीबकथॉम बेरी ऑयल कैप्सूल। सीबकथॉम बेरी ऑयल कैप्सूल में क्या है, ओमेगा 7। ओमेगा 7 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, इसको हम पाल्मिटोलिक फैटी एसिड भी बोलते हैं। इसको लोग ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, ओमेगा 7 फॉर ब्यूटी। मतलब ये हमारे स्किन सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल्स की जो आउटर वॉल है, उसको हेल्दी बनाए रखता है, उसको नरिश करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बनी रहती है, हार्डनेस नहीं आती है। दूसरा, उसमें ड्राइनेस नहीं आने देता, उसको हाइड्रेट रखता है। मतलब अगर आपके स्किन सेल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन हेल्दी है, नरिश्ड है, उसकी इलास्टिसिटी बनी हुई है, वो ड्राई नहीं हो रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी बनी रहेगी और एवर ग्लो करेगी। और इसके साथ ही हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है कोलेजन बिल्डर टैबलेट्स। कोलेजन बिल्डर टैबलेट्स क्या है, इसमें कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स का ऐसे इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सीबकथॉम लीव्स, ग्रीन आंवला, स्पिरुलिना, असाई बेरी, ऐसे बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है। बेसिकली कोलेजन बिल्डर करता क्या है, देखिए क्या है कि कोलेजन बिल्डर, ये कोलेजन नहीं है, ये कोलेजन बिल्डर है, हमारे बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अभी कोलेजन करता क्या है, कोलेजन को अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो ये हमारे स्किन का ग्लू है, यानी ये ग्लू वो है जो हमारे स्किन सेल्स को आपस में बाउंड करके रखता है। यानी अगर आपके स्किन सेल्स आपस में बाउंड रहेंगे तो मतलब कोई फाइन लाइन नजर नहीं आएंगी, यानी उसमें कोई झुरियां नहीं आएंगी, वो मुरझाएंगे नहीं, और इसके साथ ही उसके अंदर जो उसके नरिशमेंट है स्किन सेल्स की उसको भी करता है। तो मतलब आपकी स्किन भी हेल्दी बनी रहेगी, तो मतलब आपका स्किन हमेशा यंग बना रहेगा। तो मतलब आप कोलेजन बिल्डर टैबलेट, सीबकथॉम बेरी ऑयल कैप्सूल और सीबकथॉम बायो रेडियंस जूस, अगर इन तीन चीजों का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बुढ़ापा दिखाई नहीं देगा, यानी ये बहुत ही बेहतरीन एंटी एजिंग का काम करेगा, आप हमेशा यंग दिखते रहेंगे।
अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सिबोक्थोन बायो रेडियस जूस जो है आपको सुबह शाम लेना है खाना खाने से पहले 5 ml एक गिलास पानी में, और इसके साथ ही आप खाना खाने से पहले ही बायो रेडियस जूस के साथ ही आप बेरी ऑयल कैप्सूल भी ले लीजिए, एक यानी एक सुबह एक शाम बेरी ऑयल कैप्सूल, और साथ में ही आप कोलेजन बिल्डर टैबलेट भी ले सकते हैं इसके साथ ही सुबह शाम। अगर आप ये तीनों चीजें रेगुलर ले रहे हैं तो बहुत ही कम दिनों के अंदर आप अपनी स्किन के अंदर एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे और आपकी स्किन जो है हमेशा यंग बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।